हेलो स्टूडेंट, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में 10th क्लास मैथ्स का एग्जाम्पल नंबर 10। और क्या कहता है ये कि सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। मतलब हमको ये शो करना है कि 5 - √3 इज इरेशनल नंबर है। वैसे तो ये है, बट हमको फिर भी ये रेशनल शो करके बताना है ना, प्रूफ करके बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। लेट अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। हमको इसको कॉन्ट्रेरी मानना है, उल्टा है ना, मतलब हम गलत तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, है ना। कॉन्ट्रेरी अज्यूम करेंगे कि दैट 5 - √3 इज रेशनल, है ना, ये हमने माना है। सॉरी, यहाँ पे रेशनल होगा, है ना। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं इसको कि रेशनल होगा, कॉन्ट्रेरी दैट 5 - √3 इज रेशनल, है ना, ये हमको मानना होगा। ये ऐसे है ना, आपको यहाँ पे सब ध्यान देना रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसको रेशनल माना, अब रेशनल माना तो रेशनल मानने के लिए हमको मीन्स की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए ए एंड बी दो को प्राइम ले लेते हैं। को प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होंगे कॉमन फैक्टर होने चाहिए, तो को प्राइम कहलाएंगे वो, है ना। तो हम को प्राइम ले लेते हैं, वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, वेयर बी इक्वल नॉट जीरो। बी डिनोमिनेटर है, इसके लिए वो क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं, और सच दैट 5 - √3 इक्वल टू क्या हो गया, ये ए अपॉन में बी, क्योंकि हमने यही तो माना है ना, ठीक है। तो जहां पर कि बी क्या नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, है ना, 5 - √3। अब क्या करेंगे हम कि जो -√3 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर के चले गए, है ना, ये राइट हैंड साइड में चला गया, और a अपॉन बी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो ये माइनस की वैल्यू थी इसकी, तो एक ऐसी वैल्यू बन गई पॉजिटिव, प्लस हो गई, और इसकी प्लस थी तो एक ऐसा आ गया माइनस में, है ना। सिंबल चेंज हो जाते हैं जब इक्वल के इधर उधर जाते हैं तो, है ना, ट्रांसफर करते हैं तो जैसे कि ट्रांसफर हुआ तो माइनस में था तो प्लस में ट्रांसफर हो गया, और ये प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में, है ना। अब देखिए, अब हमने क्या किया है यहाँ पे, है ना, बस इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, रीअरेंज किया है, है ना। क्या किया है यहाँ पे, रीअरेंज किया है। तो रीअरेंज किया तो क्या किया भाई, हमने इधर जो हमारे इधर वाले जो साइड में था हमारे पास में, उसको हमने इधर लिख दिया है, और इसको सबको उधर लिख दिया, है ना। अब देखिए, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम क्या करेंगे कि 5 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 1 है, मतलब होता ही है ना। तो 5 के अपॉन में 1 हो गया, 1 और बी का एलसीएम लेंगे तो बी आएगा। अब क्या करते हैं हम, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम के बारे में जानकारी होगी कि हम जो यहाँ पे 5 के अपॉन में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब पहले क्या करेंगे, 1 से इसमें पहले लगाते हैं हम डिवाइड, फिर करते मल्टीप्लाई। क्या याद रखना, पहले लगाते डिवाइड फिर करते मल्टीप्लाई। तो 1 से हमने डिवाइड लगाया बी में, तो बी टाइम जाएगा। अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 बी माइनस, फिर से भाई पहले लगाएंगे डिवाइड फिर करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बी से बी में डिवाइड लगाया, 1 टाइम गया, और उस 1 का बी से बी में डिवाइड लगाया, 1 टाइम गया, और 1 का मल्टीप्लाई किया ए में, तो ये ए आ गया, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, बट हमको यही ठीक है, है ना। तो अब क्या हुआ, देखिए, हियर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये दोनों ही इंटीजर है ए और बी, है ना। जो को प्राइम हम जो मान रहे थे वो उसके फैक्टर्स मान रहे थे को प्राइम, है ना। तो ए और बी इंटीजर्स है हमारे पास में, तो ए और बी इंटीजर हो गए। अब तो ए और बी इंटीजर हो गए, तो क्या हो गया, 5 - a / b रेशनल बन गया। वो क्या बन गया, रेशनल, क्यों, क्योंकि अपॉन में ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है मीन्स कि वो रेशनल हो गया, है ना। तो रेशनल क्या होता है कि हमको कोई भी चीज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी हमको मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेशनल, वेयर क्यू इक्वल नॉट जीरो, जहां पर क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, जीरो के बराबर नहीं हो सकती, तो वो क्या है हमारे पास में, रेशनल है। तो देखिए ना, ए अपॉन बी रेशनल हो गया, है ना। तो और 5 भी रेशनल है क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो एक रेशनल नंबर बन गया। अब ये रेशनल नंबर बन गया, ये है ना, ये रेशनल नंबर बन गया, तो इसका जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो इक्वल का साइन होता है इसका ये मीनिंग निकलता है कि इस साइड जो है वो इसके इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, है ना। तो ये दोनों ही इक्वल है, ये निकलता है अर्थ, है ना, ये मीनिंग निकलता है उसका। तो इसका ये मीनिंग निकला कि यदि ये सब अगर रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, शो रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल। बट ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन
अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज रैशनल. सो वी कंक्लूड दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इररैशनल. ये हमको फाइनली हमको ये क्लियर करना है कि नहीं नहीं ये जो फाइव माइनस रूट थ्री है ये इरेशनल ही है. ये इसलिए हमको रैशनल प्रूव हो गया है क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग था, हमारा अजम्पशन ही हमारा इनकरेक्ट था, है ना. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास में पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है. ये इसकी इस प्रकार से थ्योरी रहेगी, है ना. तो इसको हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ आप एलसीएम लेके आगे बढ़ा भी सकते हो या यहीं पर छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना. तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं.